हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आशीष सिंह स्टडी पॉइंट में। साथ ही आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, अच्छे से रहें, मेरा यही शुभकामना है आप लोग के लिए। चलिए, आज पढ़ना है हमको इस्लाम धर्म के बारे में। आज क्या पढ़ना है हमको? आज पढ़ना है इस्लाम धर्म के बारे में। इसके बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे आज, फिर हम शुरू करेंगे आगे। तो पहले हम आज यहाँ से लेते हैं, इस्लाम धर्म से लेते हैं। तो आपको देखिए, एक बात बताते हैं, कोई आदमी अगर आता है, मान लीजिए हम ही आए, तो मेरे पेरेंट्स हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। चाहे जो भी काम कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, जो भी काम कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। तो देखिए, हम देखते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानते हैं हम। तो क्या था जो फाउंडर, इसके इस्लाम धर्म आया कहाँ से, इसको कौन लेके आया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहेब, ठीक ना? क्या नाम था उनका? उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहेब। वो कहते हैं इस्लाम धर्म के जो है, इसके जो है फाउंडर थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है, यहीं से शुरू होता है इस्लाम धर्म। किन से? तो मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहेब से शुरू होता है क्या? इस्लाम धर्म, समझे ना? इसलिए इनको फाउंडर कहा गया। किसका? इस्लाम धर्म का फाउंडर कहा गया है। किसको कहा गया है? तो हजरत मोहम्मद साहेब को ही इस्लाम धर्म का फाउंडर कहा गया है। अब देखते हैं ये जो व्यक्ति थे, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ 570 एडी में। कहाँ पे हुआ? तो मक्का नाम के जगह पे हुआ। अब आपको यहाँ से दो पॉइंट क्लियर हो गया, जो इस्लाम धर्म, ये जो धर्म है ना, इसके संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहेब थे। और ये व्यक्ति जो थे, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ आपको 570 एडी, जो दिख रहा है आपको, ठीक ना? और कहाँ पे हुआ? तो मक्का में हुआ। चलिए आपको मैं एक स्टोरी से सुनाते हैं। एक व्यक्ति थे, मान लेते हैं कोई होंगे, उनका ना एक गांव था। उन एक गांव में क्या हुआ, एक गांव का नाम था क्या? मक्का। एक मक्का नामक जगह था। मक्का नाम का क्या था? एक गांव था। चलिए एक विलेज मान लेते हैं इसको, एक गांव है एक, ठीक ना? यहाँ पे मक्का नाम के गांव है ये। ये मक्का नाम के गांव में क्या हुआ ना, कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ। हालांकि बहुत सारा होगा, हाँ, ये व्यक्ति अच्छे परिवार से होंगे। मान लीजिए कहीं होता है क्या, जो अगर कोई अच्छे गांव में, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा अच्छे परिवार के होते हैं, जिनका मान लीजिए बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, बहुत बड़ा होता है, तो थोड़ा अगर उनके बारे में कुछ अगर होता है, कुछ अगर यूनिक करते हैं वो, तो उनके बारे में आदमी ज़्यादा ध्यान देता है, है ना? तो वही उन्हीं में एक किसी घर में पैदा हुए थे। कौन? ये मोहम्मद हजरत साहेब। उनका क्या हुआ ना कि कहाँ जन्मे थे? तो मक्का में जन्मे थे। कब जन्मे थे? तो 570 एडी में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 570 एडी में। किनका हुआ था? तो मोहम्मद हजरत साहेब का हुआ था। तो एक गांव में, एक गांव का नाम था मक्का नामक जगह था, जिस जगह पे एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उनका नाम क्या था? मोहम्मद हजरत साहेब। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि हम लोग कहीं कहीं जन्म होता है, पैदा होते हैं, तो फिर क्या होता है, एज तक तो ठीक रहता है, बाद में फिर पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक का सफर करना पड़ता है। तो उन्हीं में क्या हुआ, इनका भी जन्म हुआ कब? 570 एडी में। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना कि इनके माता पिता बोले, अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक? तो फिर इनको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना होगा, पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाना होगा। तो उस टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, इनको जो है ना, किनको? ये हजरत मोहम्मद साहेब को मक्का में ही एक गुफा था, है ना? वो क्या था? एक गुफा था। वहीं पे क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब हुई? तो 610 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद हजरत साहब को मक्का में ही एक गुफा में, हीरा नाम का गुफा था, जहां पे उनका शिक्षा, वहां पे उनको ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगला पॉइंट है, इस्लाम धर्म की शुरुआत 610 शताब्दी में हुआ। अब देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे, इनके जन्म से ही स्टार्ट हुआ सारा कुछ, क्योंकि फाउंडर ही है ना। फाउंडर कौन है? मोहम्मद हजरत साहब को, उन्हीं को फाउंडर माना जाता है ना, इस्लाम धर्म के जो आप संस्थापक है, उन्हीं को माना जाता है इस्लाम धर्म के फाउंडर को। इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन? तो हजरत मोहम्मद साहब। तो अब क्या हुआ, यहाँ से आपको देखिए बताते हैं। पहले कुछ एक स्टोरी में अगर हम समझे, तो मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म उनका जो है मक्का नाम के जगह में हुआ। कहाँ पे हुआ? मक्का नाम का एक जगह था जहाँ पे उनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? तो मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 570 एडी में उनका जन्म हुआ। अब उनके बाद उनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए भेजे, तो उनको कहा ना, गांव में एक स्कूल मिल गया, स्कूल का गुफा को मान लेते हैं, स्कूल मिल गया। कहाँ मिल गया? तो गांव में मिल गया। तो किस गांव में पैदा हुए थे? तो मक्का में पैदा हुए थे ना, तो मक्का में उनको एक स्कूल मिला, क्या गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो गुफा को हम स्कूल मान लेते हैं। तो उस गुफा में क्या हुआ ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई ज्ञान की प्राप्ति? तो 610 में।
अगर हम आज कुछ कर लेते हैं, पढ़ लिख के कहीं जॉब कर लेते हैं, अच्छा खासा कर लेते हैं, अच्छा खासा जगह पहुंच जाते हैं, पोजीशन ठीक ठाक हो जाता है, तो क्या होता है, मेरा कब पीछे क्या किए नहीं किया नहीं सब भूल जाता है, कितना क्या हुआ नहीं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, हम कैसे किए इतने यहाँ तक आने में क्या हुआ, मतलब ये सारा कुछ आदमी भूल जाता है। हाँ, जब यहाँ से शुरू किए तो फिर यहाँ से आगे बंद, यहाँ से हमको याद रहता है, इससे नीचे क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही 610 AD में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति जब हुई 610 AD में, तो इससे पहले इनको कहाँ क्या हुआ इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आदमी जनरली देखा क्या गया है, तो 610 AD से ही माना गया इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तब 610 AD में। तो इसलिए यहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत 610 ईस्वी शताब्दी में ही हुआ, इसलिए इसको सब 610 शताब्दी में ही मानता है। यहाँ तक तो क्लियर है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब आप अगला पॉइंट देखिएगा कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहेब मक्का से मदीना चले गए, और इसी यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजारत कहा जाता है। उसी वर्ष इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हजरत मोहम्मद साहेब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो गया। अब देखिए यहाँ 3 पॉइंट आपको, 2 पॉइंट दिख रहा है, क्लियर है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, जब मोहम्मद हजरत साहब जो है 570 AD में उनका जन्म हुआ, 610 AD में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, तो हिरा नामक गुफा में मक्का में हुई थी। यहाँ तक तो क्लियर था ना। फिर उनके बाद जो है सो वो क्या किया ना, 610 AD के बाद 622 AD में जो है मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना चले गए। फिर क्या हुआ, उनको अपने गाँव में मन नहीं लगा, उनको अपने जहाँ पे वो पढ़ रहे थे तो फिर उनको मन नहीं लगा वहाँ पे, फिर वहाँ से क्या सोचे कहीं और जाना। जैसे हम ही लोग कहीं अगर पहले पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, सारा दोस्त लोग मेरा बाहर चला जाता है, हम लोग के मन होता है चलो बाहर चलते हैं, वो लड़का वहाँ चला गया, हम भी वहाँ चलेंगे। इसलिए क्या किए मोहम्मद हजरत साहब भी क्या किए, मक्का से जो है यात्रा किए। यात्रा कहाँ किए, वो तो मदीना गए। कब गए, तो 622 AD में। कब, 622 AD में। 622 AD में, 622 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब क्या किए, मक्का से मदीना के लिए यात्रा किए। उसी यात्रा को क्या कहा जाता है, हिजारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिजारत कहा जाता है। जैसे देखिएगा इस्लाम धर्म में सुनते होंगे कि हज के यात्रा पे जाता है आदमी सब, है ना, हज पे जाता है। तो हज क्या, वही है ये चीज, हज मतलब ये जो मोहम्मद हजरत साहब जो थे इस्लाम धर्म के फाउंडर जो थे, वो जो है मक्का से जो मदीना गए 622 AD में, 622 ईस्वी में, तो वो यात्रा जो है ना, जो यात्रा मान लीजिए हम यहाँ से चल के अगर कहीं गए तो उस बीच का जो यात्रा किए, ये जो हम यात्रा किए, ये यात्रा क्या कहलाया, यही यात्रा कहलाया हिजारत। तो वही मोहम्मद हजरत साहब जो है मक्का से जब चल के मदीना गए तो वो क्या कहलाया, वही यात्रा हिजारत कहलाया। यहाँ तक क्लियर है। और जब ये मक्का से मदीना गए तो वही यात्रा हिजारत कहलाया। और उसी वर्ष क्या हुआ, एक कैलेंडर जारी हुआ जो कि इस्लामिक कैलेंडर है, जिसका नाम क्या है, हिजरी संबत। उस कैलेंडर का नाम क्या है, हिजरी संबत, जो कि क्या, कौन सा कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है। तो आपसे यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछते बन सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कंपटीशन लेवल से हम देखें तो, जो मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना कब गए, तो 622 AD में। आपको ऐसे स्टोरी में याद रखना है कि मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना 622 AD में गए, क्योंकि वहां उनको मन नहीं लग रहा होगा, कोई और सिचुएशन होगा तो उनको जाने का या फिर घूमने का मन किया होगा, तो वो क्या किए 610 AD में, तो वहां ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, फिर वहां मन नहीं लगा उनको, फिर वहां क्या किए, वहां से वो आपको अपना जो है सो मन बहलाने के लिए कहीं और जाना चाहे, तो कहां से, मक्का से कहां गए, मदीना गए। क्लियर है। तो मक्का से जो मदीना गए तो उस यात्रा को भी कुछ बोला जाएगा ना, क्योंकि बहुत वैल्यूबल पर्सन थे, तो उस यात्रा को क्या बोला गया, हिजारी बोला गया, हिजारत बोला गया। क्या बोला गया उस यात्रा को, हिजारत बोला गया, जो कि इस्लाम धर्म में आप देखते हैं कोई हज पे जाता है तो वही यही यात्रा है, हज की यात्रा पर जाता है। तो उसके बाद फिर जो है सो कुछ और उनमें घटना हुआ, और क्या हुआ, तो उसी समय क्या हुआ, एक इस्लामिक कैलेंडर जारी हुआ जिसका नाम था हिजरी संबत की शुरुआत हुई। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया हिजरी संबत की शुरुआत कब हुई, तो ये याद रखना है जो मोहम्मद हजरत साहब 622 AD में जब मक्का से मदीना गए तो उसी समय क्या हुआ ना कि हिजरी संबत की शुरुआत हुई। अब अगला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहेब की मृत्यु 632 AD मदीना में हो गई। अब मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना गए और मदीना में ही रह गए, उनकी मृत्यु कहाँ हो गई, मदीना में हो गई। यहां तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब अगला टॉपिक है, मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु के बाद उनके 4 उत्तराधिकारी हुए। अब मोहम्मद हजरत साहब जो थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ ना कि उनके 4 उत्तराधिकारी हुए। तो पहला कौन सा था, पहला यहां है अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा खलीफा उस्मान और चौथा खलीफा अली। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। अब पूछ सकते हैं सर खलीफा की किसे कहा जाता था, तो क्यों कहा जाता था, तो हजरत मोहम्मद हजरत साहब जो थे तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ से एक नया टॉपिक आता है, जो इस्लाम को जो है दो भाग में बांटा गया। इस्लाम को कितने भाग बांटा गया, जो इस्लाम को दो भाग में बांटा गया। पहला आप सुने होंगे जो शिया और सुन्नी है ना, तो शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। याद क्या रखना, इस्लाम को कितने भाग बांटा गया, दो भाग में। यहाँ तक क्लियर? तो दो भाग में वो पहला भाग कौन सा था, पहला था शिया, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था सुन्नी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, जो सर ये शिया किसे कहते हैं और सुन्नी किसे कहते हैं, बात यहाँ सबके मन में आ रहा होगा, अभी जानने का इच्छा आ रहा होगा। तो देखिए, जो कि आपको हम बताए थे, जो मोहम्मद हजरत साहब के चार उत्तराधिकारी थे, तो पहला कौन सा था, अबू बकर, और दूसरा कौन सा था, उमर, तीसरा उस्मान, और चौथा अली। तो जो भी मुस्लिम पहला आपको अली को माने ना, अली को अपना पहला खलीफा माने, मान लेते हैं 100 आदमी में से जो है सो 15 से 20% आदमी जो है सो पहला खलीफा किनको माने, पहला खलीफा अली को माने, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए शिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, जो बाकी सुनी बचा ना, तो जो सबसे पहले अबू बकर को अपना पहला खलीफा माने, वो क्या कहलाए, सुनी कहलाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? क्लियर लिखा हुआ है, इस्लाम को कितने भाग बांटा गया, दो भाग में, पहला कौन सा शिया, दूसरा कौन सा सुन्नी। शिया किसे कहते हैं, जो कि अपना यहाँ 15 से 20% लिखा हुआ है, जो कि अपना जो भी मुस्लिम वहां पे 15 से 20% थे, जो पहला आपको अली को अपना पहला खलीफा माने, वो क्या कहलाए, वो शिया कहलाए, और जो अबू बकर को अपना पहला खलीफा माने, वो क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब क्या है ना कि अली का बेटा था हुसैन, और अली के बाद हुसैन ही खलीफा बनने के दावेदार था, लेकिन बगदाद के एक शासक अब्बासी नहीं चाहता था कि हुसैन खलीफा बने, इसलिए बगदाद के शासक अब्बासी ने शियाओं के पास संदेश भेजकर हुसैन को अपने पास बुलवाया और उसकी हत्या करवा दी। अब देखिए क्या हुआ ना, कि आपको हम पहले बताए थे कि मोहम्मद हजरत साहब के चार लड़के थे, जिनका पहला का नाम अबू बकर था, दूसरा का नाम उमर था, तीसरा का नाम हुसैन था, चौथा का नाम अली था। तो पहला जो मुस्लिम थे, जो आपको क्या कहते हैं, अली को अपना पहला खलीफा माने थे, वो शिया कहलाए थे, और जो अबू बकर को अपना पहला खलीफा माने थे, वो सुन्नी कहलाए थे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखते हैं कि अगर हुसैन, अगर क्या कहते हैं, अली जो है सो खलीफा बना था, तो अली के बाद कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा, जाहिर सी बात है। अगर किसी का पिताजी अगर राजा था, तो उसका बाद उसका लड़का ही राजा बनता था, तो अली क्या था, अली भी जो है राजा था, तो अली खलीफा था, तो अली खलीफा था, तो अली के बाद कौन बनता, तो उसका बेटा हुसैन बनता। लेकिन क्या हुआ ना कि बगदाद का एक शासक था, बगदाद का क्या था, एक शासक था जिसका नाम था अब्बासी, ठीक ना, वो नहीं चाहता था कि अली का बेटा हुसैन जो है वहां का शासक बने। तो वो क्या किया, अब्बासी का किया ना, बहुत नीच क्वालिटी का, बहुत गिरा हुआ आदमी था, वो क्या किया अब्बासी, अब्बासी जो है सो शिया के पास जो है, शियाओं के पास क्या हुआ कि खत भेजा। क्यों? क्योंकि अली को मानने वाला जो भी मुस्लिम थे वो शिया कहलाए थे ना, तो याद रखिएगा, तो शियाओं के पास खत भेज करके क्या किए, अली के बेटे हुसैन को मंगवाया और उसकी हत्या करवा दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? और क्या, देखिए अब आप एक चीज जानते होंगे कि मुहर्रम, इस्लाम धर्म में मुहर्रम एक पर्व होता है, मुहर्रम होता है ना, तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, तो मुहर्रम जो है यही क्या कहते हैं, हुसैन जो मरे थे, हुसैन को जो मरवा दिया गया था, तो उसी के दुख में जो है ना, मुस्लिम सब जो शियाओ मुस्लिम सब थे, शियाओ जो थे, जो शिया थे, वो क्या किए, वो जो है सो मुहर्रम मनाते थे, किसके दुख में, तो हुसैन के दुख में ही मुहर्रम का शुरुआत हुआ था। यह लिख भी दिए हैं, इसलिए शिया हुसैन के मरने के दुख पर ही मुहर्रम मनाते हैं। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है, सुन्नी और शिया के बीच लगभग 200 वर्ष तक लड़ाई चली। क्यों? क्योंकि बगदाद के खलीफा, बगदाद के जो शासक थे अली, अब्बासी, बगदाद शासक कौन थे, अब्बासी, ये क्या किए थे, शियाओं के पास खाते अली को मरवा दिए थे ना, तो इसलिए क्या हुआ, आपको पता था कि इस्लाम धर्म दो भाग में बटा है, शिया और सुन्नी, तो शिया का जो शासक बनने वाला था हुसैन, उसको मरवा दिया गया, तो इसलिए क्या हुआ, शिया और सुन्नी के बीच में क्या हुआ, काफी लंबे अरसे तक लड़ाई चला, झगड़ा हुआ, कितने वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक।
क्या हुआ, लड़ाई चला। और देखिए ये लड़ाई को शांत करने के लिए, लड़ाई तो कंटिन्यू चल रहा था, अब कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगना है ना, गाड़ी कहीं ना चल रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है, तो लड़ाई कंटिन्यू 200 वर्ष तक चलती रहा। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या किया जाए, तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक कम्युनिटी का जन्म हुआ, एक वहाँ पे क्या कहते हैं आपको कम्युनिटी जन्मा, जिसका नाम था कम्युनिटी बना, जिसका नाम था सूफी। उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता था, सूफी। वो उसका काम क्या था सूफी का, तो उसका काम यही था कि ये 200 वर्ष तक जो शिया और सुन्नी में झगड़ा चल रहा था इसको खत्म करना था। यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, इसको समझ लीजिएगा, जिनका छूटा होगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा, फिर से उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ, इस्लाम धर्म के पहले फाउंडर कौन थे, तो मोहम्मद हजरत साहब, उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 570 एडी में हुआ, कहाँ पे हुआ, मक्का में हुआ, यहाँ तक नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, उनको क्या हुआ ना कि मक्का में ही जो है सो एक मक्का में ही हीरा नाम का एक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने ईस्वी में हुई, तो 610 ईस्वी में हुई, कहाँ पे हुई, तो मक्का में हुई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ ना कि मोहम्मद हजरत साहब को मक्का में मन नहीं लगा, तो वो मक्का से काकियन एक जगह गए, जो जगह का नाम क्या था, मदीना नाम था, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो वो जब मक्का से ट्रेवल किए कहाँ, मदीना, कब किए, तो 622 एडी में किए, कहाँ गए, मक्का से मदीना गए, 622 एडी में जो मोहम्मद हजरत साहब मक्का से जो मदीना गए, तो वही यात्रा क्या कहलाया, हिजारत कहलाया। क्यों, क्योंकि मोहम्मद हजरत साहब जो मक्का से मदीना गए, तो वो मक्का से मदीना के जाने के क्रम में जो यात्रा वो किए, वही यात्रा क्या कहलाया, हिजारत कहलाया। आज आप सुनते होंगे जो कोई हज पे जाता है, तो हज किया वही तो है, जो मोहम्मद हजरत साहब मक्का से जो मदीना ट्रेवल किया ना, उसी को क्या कहा गया, हज कहा गया, यानी कि हिजारत कहा गया। और उसी टाइम क्या हुआ ना, एक इस्लामिक जो है एक इस्लामिक कैलेंडर जारी हुआ, जिसका नाम था हिजरी संवत। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 632 एडी में जो है मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई मृत्यु, मदीना में ही हो गई, क्योंकि वो मक्का से तो मदीना गए, मदीना में ही उनकी मृत्यु हो गई। डेथ कहाँ हुई उनकी, मदीना में हुई। कब हुई, 632 एडी में। अब देखिए मोहम्मद हजरत साहब जब डेथ कर गए, तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा, तो उनका कितना उत्तराधिकारी था, 4 उत्तराधिकारी, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा खलीफा उस्मान, चौथा अली। अब क्या हुआ ना कि देखिए ये दोनों तो पहला, अब जो है जो अब आप एक चीज सुने होंगे, जो मुस्लिम दो भाग में बटा हुआ है, कितने भाग में, दो भाग में, पहला कौन सा, सिया और दूसरा सुन्नी। तो सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो ये सिया किसे कहते हैं और सुन्नी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए सिया कहते हैं जो भी वहां पे पहला खलीफा अली को माने, वो क्या कहलाए, वो सिया कहलाए। जो भी मुस्लिम अपना पहला खलीफा अली को माने, वो क्या कहलाए, सिया कहलाए। और जो अबू बकर को अपना पहला खलीफा माने, वो सुनी कहलाए। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगर मान लीजिए कोई राजा है, तो उसके बाद राजा कौन बनेगा, उसका लड़का बनेगा। तो अली पहला खलीफा था, तो अली क्या हुआ ना, अली के बाद उसका बेटा था हुसैन, तो अली के बाद हुसैन ही बनता ना वहां का राजा। तो लेकिन एक बगदाद का एक शासक था, जिसका नाम था बासी, बहुत ही नीच क्वालिटी का, बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति था, ठीक। तो वो क्या किए, वो जो है सो आपको सियाओं के पास खत भेजे। क्यों सियाओं के पास खत भेजे, सियाओं के पास इसलिए वो खत भेजे क्योंकि आपको बता चुके हैं जो अली को मानने वाला जो मुस्लिम थे वो क्या कहलाए थे, सिया कहलाए थे। तो इसलिए अली के बाद बेटा उसका हुसैन था, तो हुसैन भी, हुसैन को जो मानता था वो तो क्या कहते हैं, जो अली को मानता था वो सिया था। तो खत भी किसके पास भेजेगा, सिया के पास भेजेगा ना। तो वो क्या किया, वो सिया के पास खत भेजा और हुसैन को अपने पास बुलवाया और हुसैन की हत्या करवा दी, मरवा दी। कितना घिनौना काम किया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसी दुख में जो है सो मुस्लिम सब जो है, जो सिया जो थे, जो कि अली को अपना पहला खलीफा मानते थे, वो क्या किए, वो उसी हुसैन के मरने के दुख में मुहर्रम मनाने लगे। आप सुनते हैं मुहर्रम जो होता है, मुस्लिमों का पर्व जो होता है, तो वो मुहर्रम क्या है, मुहर्रम वही हुसैन जो अली का बेटा था हुसैन, उसी वही जब डेट किए थे, जो उनको मार दिया गया था, तो उसी के दुख में जो है सो मुहर्रम मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और ये लड़ाई जो है ना तकरीबन 200 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था, 200 वर्ष तक चला था। किसके किसके बीच चला था, सिया और सुन्नी के बीच चला था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लड़ाई जो लंबे अरसे से चली आ रही थी, उसको खत्म करना था ना, काफी टाइम हो गया था, 200 वर्ष हो गया था, इतना दिन अगर इतना लंबा लड़ाई चलेगा तो बहुत दिक्कत था। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या हुआ, एक कम्युनिटी का जन्म, ऐसे एक कम्युनिटी बना, जिस कम्युनिटी का नाम क्या था, सूफी था। उसका काम क्या था, ये जो लड़ाई दोनों तरफ से चल रही थी उसको कम करना था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक ना।